हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनारसी कंचन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सलवार की मोहरी बनाना। तो यहाँ पर हम एक मोहरी के लिए 1.5 इंच चौड़ा लगेगा, तो यहाँ पे 3 इंच चौड़ा मैं कटिंग करूँगी और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पैर के आप सलवार के भी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 इंच नाप के काट रही हूँ और इसे पलट कर हाफ़ डिवाइड करूँगी ताकि हमारे दोनों पैरों का निकल जाए। मेरे पास उसका बंडल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बकरम से ही कुछ नया ट्राई किया जाए। तो ये बकरम जो है कॉलर बनने वाला, उसका मैं बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने उसका दुगना, जो 1.5 इंच है उसका दुगना 3 इंच कपड़ा लिया हुआ है और सलवार के उल्टे साइड से स्टिचिंग लगाते हुए हम इसे लगाएंगे स्टिच, क्योंकि सीधे साइड हमको फोल्ड करना है और ये ऊपर साइड भी आएगा। तो आप नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऊपर साइड लगेगा तो लगेगा कि हाँ उसी में अलग से नहीं लगा है। तो इस तरीके से अंदर डालते हुए जो बकरम हमारा है वो ऊपर साइड से रहे, और उस कपड़े को पलट के सिलाई हमें लगा देनी है, सबसे पहले ऊपर एंड नीचे। और इस तरीके से फिर एक बीच में भी सिलाई लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। डिज़ाइन मैं यहाँ पे राउंड राउंड सर्कल क्रिएट करूँगी कुछ इस तरीके से, बस आपको कपड़े को घुमाना है, डिज़ाइन खुद ब खुद बन जाएगी सिलाई से। आप चाहे तो बर्फी शेप भी बना सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन है इस तरीके सब बना सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर लहरिया वाला पैटर्न बना रही हूँ, तो लहरिया जो पैटर्न होता है उसमें भी मैं एक थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है और वो बना भी है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये लाइट कलर है तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। और इस तरीके से ये देखिए हमारा डिज़ाइन बन गया। इस तरीके से हम दूसरा मोहरी भी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक लास्ट सिलाई में लगाने की कोशिश कर रही हूँ जो डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो इस तरीके से ये देखिए डिज़ाइन में बना रही हूँ। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये देखिए हमारा मोहरी बन गया एकदम फर्स्ट क्लास। तो मोहरी ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, तो कम से कम अगर आप सीधा सीधा भी सिलाई लगाएंगे तो 5 सिलाई लग ही जाना है, और लहर भी लगाएंगे तो एक नीचे से हो जाता है एक ऊपर से हो जाता है। अब बीच में भी चाहे तो लगा सकते हैं। और इस तरीके से देखिए हमने लगा के ये रेडी कर लिया हुआ है मोहरी। मोहरी हमारा बन गया है, देखिए आपको थोड़ा सा डिज़ाइन अलग से दिख रहा है। और ये देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, lots of love।